नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ट्यूटोरियल में। हमने क्लास फिफ्थ के एनसीईआरटी नोट्स जो कि सीटेट और टेट एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किए थे उसकी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चैप्टर नंबर वन, चलो चलें स्कूल। दुर्गम इलाकों में स्कूल होने के कारण तथा पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में बच्चों का स्कूल जाना आसान नहीं है। जैसे असम में बारिश का पानी भरने के कारण बच्चे बांस और रस्सी से पुल बनाकर रास्ता पार कर जाते हैं। लद्दाख, स्कूल पार करने के लिए एक बहुत चौड़ी और गहरी नदी पार करनी होती है। इसके लिए ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल होता है, जो कि पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। पुली एक सरल मशीन है जिसको हिंदी में घिरनी कहते हैं। इसमें एक तरफ से फोर्स लगता है और एक तरफ से वेट उठता है, ये एक तरह का मैकेनिकल फोर्स होता है। फिर है केरल, कुछ भागों में पानी भरने के कारण बच्चे बल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। फिर राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का भी प्रयोग होता है। गुजरात में जुगाड़ से बनी गाड़ी होती है जिसमें आगे मोटरसाइकिल होता है और पीछे फट्टों से बनी, लकड़ी के फट्टों से बनी एक मतलब ट्रॉली टाइप का ही होता है। उसके बाद है कुछ बच्चों को जंगल पार करना पड़ता है और कुछ बच्चों को बर्फीले मैदान को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। उत्तरांचल में ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। उसके बाद है चैप्टर टू, कान। कान में कुछ जानवरों के कान बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं जैसे हाथी हिरण, कुछ जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं जैसे सांप तोता कौवा यानी पक्षी। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते परंतु उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। अगर किसी जानवर के सारे बाल हटा दिए जाएँ तो फिर उसका कोई उसके खाल का कोई डिज़ाइन नहीं बचेगा। हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं, तो इससे ये निकल के आता है जो कि इम्पॉर्टेंट भी एग्ज़ाम के लिए कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो अंडा देते हैं, जैसे कि सांप, जैसे कि कोई भी पक्षी। फिर है चैप्टर नंबर थ्री, नंदू हाथी। हाथी चिंघाड़ता है और वो झुंड में चलते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2-4 घंटे सोता है। और ये जो है ये सीटेट में आया था। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा में हवा करता है। ये सीटेट में इस तरह से आया था कि आप एक स्टेटमेंट लिखा था और 4 ऑप्शंस दिए थे और उसमें पूछा था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उसमें ये भी था कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद होता है, तो वो सही था। फिर 3 महीने के हाथी के बच्चों का वज़न 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड को में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हाथी मेल हाथी नहीं रहता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10-12 साल झुंड में रहते हैं फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। कुछ जानवरों को पालतू बनाकर उन्हें सर्कस में मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। Thank you.